आज मथुरा दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, जनसभा को करेंगे संबोधित। ग्यारह दिसंबर को काशीपुर जाएंगे केजरीवाल, जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में होगा पांचवा दौरा। चित्रकूट में नदी में डूबे युवक की मौत, परिजनों ने बालू माफियाओं पर लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी। दीवार गिरने से हादसा, मलबे में दबे तीन बच्चे, तीनों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मथुरा के मांड विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान वो करीब 201 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और भाजपा पदाधिकारी मंगलवार को दिन भर तैयारियों में जुटे रहे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पर पहुंचेंगे। वो लगभग 2.5 घंटे तक यहाँ रहेंगे। मुख्यमंत्री बाढ़ के ब्रज आदर्श इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में करीब 200 करोड़ रुपए की 146 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, विधायक कारिंदा सिंह, विधायक पूरन प्रकाश मौजूद रहेंगे। तो 2022 के चुनाव बेहद नजदीक हैं, ऐसे में सभी पार्टियां और जो प्रमुख चेहरे हैं उन्होंने जनसभाएं शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आज योगी आदित्यनाथ मथुरा आ रहे हैं। मथुरा में योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। मथुरा में कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ का तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल से ही तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो तैयारियों में जुटा हुआ था। यहाँ पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है उन क्षेत्रों में जाने की जहाँ पर विकास कार्य जो हैं वो छूटे हुए हैं, यानी कि जो काम ऐसे हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए थे उन्हें पहले निपटा दिया जा रहा है, ताकि 2022 के चुनाव से पहले पहले जो उपलब्धियां हैं सरकार की उनमें और सारी जो चीज़ें हैं, जो लोकार्पण कार्यक्रम हैं, जो शिलान्यास हैं, वो जुड़ सके। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आज योगी आदित्यनाथ मथुरा में रहेंगे, कृष्ण की नगरी में रहेंगे, यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सांसद हेमा मालिनी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी और एक विशाल मैदान जो है वो तैयार कर दिया गया है। उम्मीद है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो समर्थक है वो जुटते हुए नजर आ सकते हैं। आप बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं कोरोना के मद्देनजर, साथ ही साथ आने वाले समय में चाहे वो क्रिसमस हो चाहे वो न्यू ईयर हो, ऐसे में लोग ज़्यादा संख्या में इकट्ठे ना हों, इस वजह से तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की हुई हैं। लेकिन जो रैलियों का दौर है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, रैलियों का दौर लगातार बरकरार है। ऐसे में पहले से ही हिदायत दी हुई है कि जो भी व्यक्ति या जो भी समर्थक पहुंच रहे हैं वो मुंह पर मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। योगी आदित्यनाथ का जो मथुरा दौरा है तैयारियाँ पहले से ही कर ली गई हैं। इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और तेज़ी के साथ जो शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम है अलग अलग ज़िलों में हो सकते हैं। जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें जल्दी से निपटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि समय कम है, बेहद ही कम समय बचा है चुनाव में। योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर रहने वाले हैं, यहाँ पर तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 दिसंबर को उत्तराखंड के काशीपुर में आएंगे। वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जनसभा में बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली के मुताबिक केजरीवाल का उत्तराखंड में पांचवा दौरा होगा। इस दौरे में वो काशीपुर पहुंचेंगे, जहां वो प्रदेश की जनता के लिए चौथी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस दौरान उनकी एक विशाल जनसभा भी होगी। केजरीवाल के इस दौरे के लिए आप तैयारी में जुट गई है। तो केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर आए हैं और तमाम जो यहाँ पर घोषणाएं हैं वो उन्होंने की है। इस बार भी एक नई घोषणा लेकर केजरीवाल पहुंचेंगे काशीपुर और यहाँ पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। आप बता दें कि दिल्ली और
उत्तर प्रदेश, पंजाब के बाद उत्तराखंड पर भी पूरी तरह से फोकस जो है वो आम आदमी पार्टी का नजर आ रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल तमाम जनसभाएं कर चुके हैं और अब 11 दिसंबर को काशीपुर जाएंगे। उम्मीद है कि बड़ी घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक आप पार्टी ने तमाम घोषणाएं की हैं, इसमें चाहे वो बिजली बिल की माफ़ी हो, यानी कि बिजली फ्री देना हो, पानी की समस्या हो, ऑटो रिक्शा चालकों से उन्होंने पहले जब वो आए थे तो उन्होंने बातचीत की थी और साथ ही कहा था कि ऑटो वालों से उनका रिश्ता जो है वो बेहद पुराना रहा है। यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा चालक है उनके लिए तमाम योजनाओं की घोषणा उन्होंने की थी। एक बार फिर से वो बड़ी योजनाओं का यहाँ पर ऐलान कर सकते हैं और केजरीवाल लगातार कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो दोनों पर विफरते हुए नजर आते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 10-10 साल दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड पर राज किया लेकिन किया किसने कुछ नहीं है। मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप पार्टी की कोशिश है कि मूलभूत सुविधाएं चाहे वो पानी हो, बिजली हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन पर वो पूरी तरह से फोकस कर रही है। हालांकि ये देखना होगा कि जनता इससे कितनी ज्यादा तृप्त होती है और जनता इस मुद्दे को लेकर या इन घोषणाओं को लेकर या फिर ये कहें कि इन दौरों को लेकर कितना ज़्यादा आप पार्टी पर विश्वास जता पाती है। लेकिन यहाँ पर आप पार्टी द्वारा पूरी कोशिश कर हो रही है कि जनता उन पर विश्वास जताए और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुँच रहे हैं 11 तारीख को यानी कि 11 दिसंबर को और यहाँ वो कई योजनाओं का जो घोषणा है वो कर सकते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो फिर वो बिजली जो है वो मुफ्त में देंगे, रोजगार देंगे और बेरोजगारी भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में वो दिल्ली की तर्ज पर काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वो दिल्ली की तर्ज पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो काशीपुर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। आप पार्टी पूरे उत्तराखंड में पैर पसारने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो आप पार्टी को एक मजबूत पार्टी के तौर पर उत्तराखंड में देखा जा रहा है। जिस तरह से वो घोषणाएं कर रही हैं उससे जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा अरविंद केजरीवाल इस दिन घोषित कर सकते हैं। किसानों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। मांग के विरोध में ये समितियां नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि केंद्र के इस फैसले के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि से जुड़ी मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आज दोपहर 2 बजे बैठक करेगा। SKM ने मंगलवार को कहा था कि उसने आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करने वाले सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संगठन का कहना है कि उसने किसानों पर दर्ज फर्जी मामले वापस लेने के लिए आंदोलन समाप्त करने की सरकार से पूर्व शर्त पर भी स्पष्टीकरण मांगा। किसान नेताओं ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर बुधवार यानी कि आज दोपहर 2 बजे एक और बैठक कर सकते हैं। वहीं भाकियों के प्रमुख बलवीर सिंह राज्यवाला ने कहा है कि सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, उस पर चर्चा हुई और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सदस्यों के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति का गठन करेगी और इस समिति में SKM के बाहर के किसान संगठन, सरकारी अधिकारी और राज्य के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। राज्यवाला आगे कहते हैं कि हमें इस पर आपत्ति थी, हमें MSP पर ऐसी समितियां नहीं चाहिए जो शुरू से ही हमारी मांग के विरोध में हो। हमने सरकार से इस पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। उन्होंने कहा कि हम सरकार की उस शर्त के भी खिलाफ हैं जिसमें कहा गया कि किसानों पर दर्ज फर्जी मामलों को वापस लेने के लिए किसान आंदोलन समाप्त होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष भी इस किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है पिछले 1 साल से। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी MSP से लेकर किसानों को मुआवजे तक के मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधते हुए कल संसद में सरकार के सामने एक सूची पेश कर दी थी। इस सूची में आंदोलन के दौरान कितने किसानों की जान गई इसके बारे में बताया गया था। राहुल गांधी कहते हैं सूची पेश करते हुए कि सदन में कृषि मंत्री ने कहा कि उनके पास किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का कोई डाटा नहीं है, हमने इसके बारे में पता लगाया। पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और 152 किसानों को रोजगार दिया। ये लिस्ट मेरे पास है जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा पुरजोर चल रहा है, लेकिन आज आंदोलन की घर वापसी हो गई या नहीं इसको लेकर मंथन पहले भी किए जा चुके हैं और आज भी मंथन होना है। दोपहर 2 बजे एक और महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। आज का दिन बेहद अहम है। हालांकि इससे पहले कई संगठनों ने आरोप लगाए थे कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है, सरकार कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। ऐसे में आज देखना होगा कि आज के सरकार इस पर दिलचस्पी दिखाएगी कि आंदोलन की घर वापसी होगी या ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा।
राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में विरोध जारी है। विपक्षी नेताओं ने आज दिन भर सदन के बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष के सभी सांसद संसद परिसर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इससे पहले भी विपक्ष ऐसा कर चुका है। खड़गे ने लोकसभा के विपक्षी नेताओं से भी इस प्रदर्शन में समर्थन देने की अपील की है। ऐसे में अगर लोकसभा के विपक्षी सांसद भी सदन का बहिष्कार करते हैं तो आज संसद की कार्यवाही चलने की संभावना न के बराबर है। इधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और बाद में जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई विपक्षी मोर्चा नहीं हो सकता। राउत की टिप्पणी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने बीजेपी विरोधी गठजोड़ यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। राउत और राहुल ने कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए के बारे में भी चर्चा की। बीजेपी के पूर्व सहयोगी शिवसेना 2004 से 2014 के बीच केंद्र में शासन करने वाली यूपीए का हिस्सा नहीं थी। राउत ने बैठक का ब्यौरा साझा करते से इनकार कर दिया लेकिन कहा कि दोनों नेताओं ने सप्रसंग की स्थिति के बारे में भी चर्चा की है। यानी ये कहा जा सकता है कि विपक्ष जो है आज दोनों सदनों का विरोध कर सकता है। ऐसे में लोकसभा की कार्रवाई चलना भी मुश्किल हो सकता है। राज्यसभा की कार्रवाई तो विपक्ष चलने ही नहीं दे रहा है लेकिन अगर लोकसभा में इस तरह का विरोध हुआ तो लोकसभा की कार्रवाई भी नहीं चल पाएगी। तो शीतकालीन सत्र शुरू हुए काफी समय बीत गया है लेकिन जो हंगामा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, हंगामे लगातार बरप रहे हैं। इसके अलावा चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा हो या फिर जो किसानों की मौत हुई थी इस आंदोलन में उसका मुद्दा हो, ये मुद्दा प्रमुख है इस बार इस सत्र में और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। साथ ही साथ बॉयकॉट करने की मांग भी कर रहा है। आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो विपक्ष है वो गांधी मूर्ति के नीचे प्रदर्शन करने वाला है, ऐसा ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। हालांकि ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, ये पहला मौका नहीं है कि आज ही इस तरह का विरोध होगा। इससे पहले विपक्ष लगातार अपना विरोध जता चुका है, राहुल गांधी बॉयकॉट भी कर चुके हैं। हालांकि कल उन्होंने सदन में कहा था कि उनके पास एक पूरी लिस्ट तैयार है कि कितने किसानों की जान चली गई है, कितने किसानों की नहीं गई है, कितने किसान घायल हुए हैं, क्योंकि कृषि मंत्री साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि उनके पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है कि किसानों की मौत हुई है, कितने किसानों की हुई है, तो ऐसे में मुआवजे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसी के जवाब में कल राहुल गांधी ने लोकसभा में ये तमाम बातें रखी थी। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे न्यू ईयर और क्रिसमस को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 5 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान जो रेस्टोरेंट हैं, जो होटल्स हैं, सिनेमा हॉल हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, जिम हैं, स्टेडियम हैं, वो 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। साथ ही शहर में घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना भी अनिवार्य रहेगा। वहीं बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल की पार्टियों के दौरान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए पुलिस ने मास्क लगाना और 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। इस दौरान विधान भवन और उसके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विशेष सतर्कता रहेगी। इस परिधि में इक्का, तांगा, अग्नियास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंध रहेगा। वहीं ऑनलाइन गतिविधियों पर भी साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी। इसके अलावा ऑनलाइन अफवाहें फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में साफ तौर पर कहा जा चुका है कि इस दौरान शहर में घर से बाहर जो भी लोग निकल रहे हैं वो मास्क जरूर पहने, अगर वो नहीं पहनते तो उनका चालान होगा। पुलिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक अब बंद स्थानों पर होने वाली शादियों और अन्य आयोजनों में एक वक्त पर 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोविड हेल्प डेस्क की बनाना होगा जो कि बेहद आवश्यक है। कोविड हेल्प डेस्क बनेगा तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिल सकेगी, जो भी उनकी परेशानियां हैं वो आराम से वहां पर जाकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन पर भी पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अगर अभी की हम बात करें तो अभी क्रिसमस का मौका है, न्यू ईयर का मौका है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलते हैं, पार्टीज करते हैं, तो ये ओमिक्रॉन का खतरा ना फैले इस वजह से कड़ी हिदायतें दी जा रही हैं। चुनाव नजदीक आते ही रैलियों का दौर शुरू हो चुका है और इसे लेकर अलग अलग पार्टियों के नेता जनता की नब्ज टोल रहे हैं तो वहीं एक दूसरी पार्टियों की कमियां भी गिना रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में मंगलवार को सपा और रालोद के गठबंधन के बाद दोनों नेता मेरठ पहुंचे जहां दोनों राजनेताओं ने मंच साझा किया। इस दौरान दोनों दिग्गज नेताओं ने बीजेपी को जमकर घेरा है और जमकर निशाना
साधा है। नौजवान साथियों, की ऐसी सरकार है, अगर कोई नौकरी मांगने गया होगा तो उसका लाठी से अपमान हुआ होगा नौजवान का। ये हमें दिख रहे हैं नौजवान बड़ी संख्या में, कोई उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई उम्मीद नहीं बची, रोजगार के अवसर नहीं है। जो नौकरी जहाँ मिलनी चाहिए थी वो सरकारी संस्थाएं बेची जा रही है, हवाई जहाज बेच दिया, हवाई जहाज जहाँ खड़ा होता है वो एयरपोर्ट बेच दिया, पानी के जहाज बेच दिए, पानी का जहाज जहाँ बंदरगाह पे खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया, ये ट्रेन बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। बताओ नौजवानों, जब सब कुछ बिक जाएगा तो आपको नौकरी और रोजगार कहाँ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 9600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे, साथ ही जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुनते हैं। तीन दशकों तक जिसके लिए पांच पांच सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सूद लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना यह नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बड़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये लगातार ये माना जाता था कि यहां पे बीमारी है, पहले मलेरिया के कारण, फिर यहां पर कालाजार के कारण, इंसेफ्लाइटिस से 40 वर्षों से लगातार मौतें होती थी, हजारों मौतें होती थी, तमाम विषाणु जनित बीमारियों से हजारों मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बन करके इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया
और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है। 17 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीन अब ले चुके होंगे और देश के अंदर 130 करोड़ लोग फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। दुनिया का वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा कैंपेन अगर कोई वर्तमान में चला रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत चला रहा है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भाइयों बहनों, 2014 के पहले यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था और आज गोरखपुर में एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया और उद्घाटन 2019 में इसी भूमि पर किया था। वहीं चित्रकूट में पहाड़ी थाना क्षेत्र के बालू डिग्री घाट में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई। वहीं हत्या को लेकर मृतक के परिजनों ने बालू माफियाओं पर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चित्रकूट का यह पूरा मामला जहां पर नदी में डूबे युवक की मौत हो गई, परिजनों ने बालू माफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ही युवक की हत्या की है। तो फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ ये जो नदी का किनारा है और जस्ट इनका सामने जो है ये पूरा पट्टा है, ये पूरे पट्टे के सामने इनकी पूरी बालू है। ये खेत में ताकने आता था लड़का, हमेशा रोज आता था। ये पूरे गांव वालों को भी पता है कि हमेशा बालुओं के लिए मना करते थे कि यहाँ बालू ना भरें कोई भी आदमी अवैध तरीके से, नहीं हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई न पुलिस प्रशासन कर दे। वो हमेशा लड़का यहाँ आता था और ये रपटा सामने से बनाकर इस बालू को उठाने का प्रयास कर रहे थे और वो लड़का मना करता था और उस लड़के को कैसे भी क्या दबा करके उसके पूरे शरीर से ब्लड ही ब्लड आ रहा है। पानी से डूबा होता तो उससे पानी निकलता, टोटल उसके ब्लड निकल रहा है। वहीं कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील के अंतर्गत आने वाले अंतापुर गांव में घर की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया जिसमें तीनों बच्चों की मौत हो गई। खबरों की माने तो घर में मौजूदा बच्चे जब सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तभी दीवार गिर गई जिसमें तीनों मासूम दब गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं इस हादसे में 3 बच्चों के चाचा भी घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।